बड़ा घोर कर्म है ये पौरोहित्य कर्म। अच्छा क्यों है? एक बार एक पंडित जी बैठे थे तो परिवार भर ने पंडित जी को प्रणाम किया, चरण छुए। एक बेटा बैठा था तो बुढ़िया आई, सो बुढ़िया ने 100-100 के 5 नोट निकाले, 500, और जो लड़का बैठा था उसके सिर पर ऐसे ऐसे किया, ऐसे सिर पर 5-7 बार ऐसे ऐसे किया और बोले ले पंडित जी। पंडित जी ने ले तो लिए पर ये पूछा कि मैया ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी, ऐसे 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 ये 5 बार ऐसे करके तूने हमें दिए, इसका क्या मतलब? बुढ़िया बोली महाराज इसका ये मतलब है कि इस लड़के की अलाय बलाय संकट पाप ताप सब तुम्हारे जुम्मे। बोलो कितना कठिन कर्म है, सब स्वीकार करो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, बाबा आपको यह रोग हुआ है, आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, गले का कैंसर है, बोलते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, इतनी पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती है, ये आप जैसे महात्मा में कोई दोष नहीं है, फिर ये रोग क्यों हुआ? कोई पाप नहीं, फिर ये क्यों हुआ? पाप का फल रोग है। श्री परमहंस जी ने मुस्कुराकर कहा कि देखो ये तुम सब लोगों की वजह से हुआ। कैसे? कहा कि तुम सब आके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, ये चरणों में बार बार प्रणाम हम कहते रहे, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, तो इधर से जो खुश रहो तो उधर चला गया, पर जो उधर का दुख है उसे भोगेगा कौन? इसलिए मैं अपना ही नहीं तुम्हारा भी भोग रहा हूं। इसीलिए तो हमारे यहां पुरोहित की बड़ी महिमा है कि वो दूसरे का कर्म स्वयं स्वीकार करके भजन के द्वारा अपना मिटाए और उसका मिटाए। इसीलिए बंदों प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा, ये पुरोहित कर्म बहुत कठिन कर्म है, बहुत। वशिष्ठ जी कहते हैं ये पौरोहित्य कर्म में स्वीकार नहीं कर रहा था, वेद पुराण स्मृति सब इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब ना ले तब कहे विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। तुम जिस कुल की पुरोहिती स्वीकार कर रहे हो उसी कुल में सच्चिदानंद भगवान श्री राम प्रकट होंगे, भगवान मिलेंगे तुम्हें। तो मैंने यह स्वीकार कर लिया, भगवान मिले तो यह मार्ग बड़ा अच्छा। मैं प्रतीक्षा करता रहा, अनेक राजाओं का पुरोहित बना रहा, धीरे धीरे महाराज दशरथ का भी पुरोहित रहा, और एक समय आया तब सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए। और आपके प्रकट होते ही मेरा मन आनंद से भर गया,